गया मैं भाई, तो, हो सौ भी गया हो गया तेरे में। और क्या। तो उसमें देखी ना आप, इंस्टाग्राम खोल के पंकज तिवारी नाम का एक वो है, हाँ। यूट्यूब में भी डालते हो, क्या बढ़िया वीडियो बना सर। सुनी तो सर, हाँ। कल चलना है मूवी आपको। हाँ कल चलना है ना, स्कूल बंक करके। अरे स्कूल बंक करके तुम लोग को पता है, वैसे ही तुम लोग 8 दिन से तो, पापा या मम्मी को पता, बस 8 दिन से तो वैसे ही नहीं जा रहे तुम लोग। ठीक है कल मूवी चलते हैं अपन, बेहतरीन। कौन सी मूवी देखनी पड़ेगी? अरे नई नई वाली जो लगी, एनिमल देख के आएंगे। ठीक है चलो चलो ठीक है, पैसे इकट्ठा कर लेंगे अपन सब। आज वैसी फीस मिल रही है, अरे फीस आज मिल रही है ना, कल पार्टी करेंगे। ठीक है चलो ठीक है, ठीक है हाँ चलो ठीक है, अब हम चलते हैं, कल आएंगे कोचिंग पढ़ाने फिर से। ठीक है चलो बाय। पैसे का इंतजाम तो हुआ नहीं यार, अबे इधर आना, पैसे का इंतजाम करना है, मम्मी से घूमने जाना है अपन को। एक काम करो भाई, स्कूल की कॉपी गाइड के लिए बहाना बना दो कि मैम। हाँ भाई मैम, मम्मी गाइड के लिए पैसे चाहिए है। पकड़ गए तू? अरे भाई नहीं पकड़ेंगे यार, तू पैसा बस हाथ में आने दे। तू तो मैं मांग लूंगा 600, तू कितने मांगेगा? 670 मांग। तू कितने? 520 मांग लूंगा। फिक्स बात, तो पहले मैं जाता हूँ, कोई फंसना नहीं चाहिए। तो सबको आधा आधा घंटा लेट जाएंगे। हाँ एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब थोड़ी टाइम टाइम। ठीक है पहले मैं जाता हूँ। ठीक है जाओ। मुझे घबराहट हो रही है यार। मम्मा। हाँ बेटा। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे आपसे कुछ, मुझे 600 रुपीज चाहिए हैं। वो मैम ने बोला था कि गाइड चाहिए उसके लिए, इंग्लिश की गाइड चाहिए थी। पढ़ाई तो तुम पढ़ाई अच्छे से करोगी जी मम्मी? काय की है जी, काय की गाइड है बेटा? ये इंग्लिश की है मम्मी। ठीक है, अब मैं पापा को तो बताना पड़ेगा, हम दे देते हैं तुम्हें 600 रुपए जी। ठीक है ना? तो 500 रुपए बेटा। हाँ सुनो, तो फुटकर तो नहीं है, तुम एक काम करना फुटकर ले लेना जी, और हमें फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है ना? ला के बेटा, अच्छे कुछ काम करके सब करा के लाना गाइड है जी मम्मी, है ना? हेलो। हाँ भाई, अच्छा ठीक है, बात करता हूँ मैं घर में। मम्मी हाँ। मुझे टेंशन हो गई है, वो स्कूल में मेरी क्लास टीचर है जो साइंस वाली मैम, वो प्रैक्टिकल के लिए गाइड चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, वो चाहिए थे मेरे को। प्रैक्टिकल के लिए गाइड? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? हाँ। कितने पैसे चाहिए? वो 670 की है, वो 670 670। हाँ प्रैक्टिकल की गाइड, हाँ वो बहुत जरूरी है मैम, बोल रही है जरूरी है, तो देना ही पड़ेगा। लो ये तुम पैसे लो बेटा, क्या हमारे पास पापा ने फुटकर पैसे नहीं दिए, 500 रुपए दिए थे, तुम लोग हमें सब वापस कर। ठीक है मैं वापस कर दूंगा आपको। तो देखो अपने पापा का बड़ा मेहनत का पैसा है बेटा, ध्यान से बेटा करना और वापस ला के दे देना हमें। थैंक यू मम्मी। अच्छे से पढ़ना बेटा। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, जरा वो स्कूल में एनुअल फंक्शन है, हाँ। उसके लिए पैसे चाहिए 520 रुपए। अब 20 रुपए मेरे को यहाँ से वहाँ तक जाने के लगेंगे, और 500 रुपए मैम को ड्रेस का देना है। अब आप बताइए क्या करना है इस मामले में। यार समझ में नहीं आ रहा है कि हम घर खर्च भी चलाना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देना है। पापा ने मुश्किल से हमें 5000 रुपए दिए थे, अब उसमें से हमने देवांश को दे दिए, युग को दे दिए, अब तुम्हें भी तो देना जरूरी है बेटा। उस बात पे मैं आपकी बहुत सहमत हूँ, मगर क्या कर सकते हैं, मैंने तो पार्टिसिपेट मैंने लिया नहीं, बस मैंने मैम सो दिया, मैम मैं भी ले रहा, मगर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो मैम बोलती अब तुम भी लोगे, तो इसलिए पैसे तो देने पड़ेंगे, मना भी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता। सही है तुम्हारी, और हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। हमारे बच्चे कितने बोले बेटा तुमने? 520। 520 रुपए आना जाना। सुनो हम ये कह रहे हैं, हम पैसे तो तुम्हें भी दे देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के लिए तो पैसे देना ही पड़ेगा। ये 500 रुपए लो बेटा। मम्मी एक मोमेंट मोबाइल छोड़ दो। 500 रुपए तुम लो और ये 20 रुपए और लो, ठीक है ना? ठीक है ना? लेकिन ना तुम वो पार्टिसिपेट लिया ये बात पापा को नहीं बताना, हाँ। उनको पसंद नहीं, उनको बता देना कि हमें स्कूल में किताब लेना है, इसलिए क्योंकि हमें ना सब हिसाब देना पड़ेगा, घर खर्च भी चलाना है,
इसलिए उनको बता देना कि हमने किताब ली है, इसलिए हम सब बच्चों को पैसे दिए, उनको भी गाइड के लिए दिए हैं, उसको भी दिए हैं और तुम्हें भी दिए हैं, है ना? ठीक है, जाओ अपना काम करो। और हमें समझ में ये नहीं आता कि तीनों बच्चे आज ही पैसे क्यों मांगे हमें। पहले युग आया, युग ने पैसे लिए, फिर देवांश आया उसने पैसे लिए, फिर कृष्णा आया उसने पैसे लिए। समझ में नहीं आया, ऐसा कभी हुआ नहीं उन लोगों ने कि एक ही दिन तीनों जन ने पैसे मांगे हो और उनको जो कुछ चाहिए था पापा से बोल देते कि पापा हमारे लिए गाइड ला दो, ये कर दो। पर आज उन लोगों को समझ में नहीं आया, चलो फिर भी हम देखते हैं थोड़ा सा जाके, अभी देखते हैं, बाहर तो गए अभी पैसे लेके सारे बच्चे, देखते हैं क्या होता है उनका। बिल्कुल आश्चर्य लग रहा है कि तीनों एक साथ पैसे एक ही दिन क्यों मांग रहे हैं। चलो हम ठीक है बाहर जाके देखते हैं। क्या कर रहे हैं देखना पड़ेगा, इन लोग क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं अभी जाके क्या कर रहे हैं लोग। भाई चलो, अगर मम्मी इससे पैसे वापस मांगे ना तो कह देना भाई, कहीं भी एडजस्ट कर देना, मम्मी ऑटो में लग गया, खाने पीने के लिए लग गया, कुछ भी बहाना बना देना, ठीक है? लोग इतने इतने पैसे दे, मुझे तो 1000 रुपए मिले हैं, मम्मी ने कहा वापस कर देना, मैं कुछ भी बहाना, मुझे भी एक मिले हैं भाई, ऐसे में फेंक देता हूं। कितने हो गए भाई? 2500 हो गए यार। और मम्मी भाई फंस रहा है यार भाई तेरे, मम्मी कुछ नहीं, मम्मी कुछ बातचीत कर रहे थे, मम्मी हम लोग कर रहे थे कि आपको वापस भी देना पड़ेगा उससे। सच बोल रहे हो? हाँ मम्मी, सच बोल रहे हो ना? सुन लिया, तुम लोग कुछ और बात कर रहे थे। सच्ची सच्ची बताओ तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? सच्ची सच्ची बताओ तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? ये तो पूरे पैसे वापस दो। सही बताओ, तुम लोगों को गाइड नहीं खरीदना ना? क्यों पैसे लिए तुम लोगों ने? झूठ बोल के लिए हमसे पैसे? सही बताओ, भाई कल्टी मार ले, भाई कल्टी मार, कल्टी मार भाई, कल्टी मार, भाई कल्टी मार जल्दी भाई।